नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस का मकसद अमेठी का विकास नहीं है। अपने दिए हुए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने अमेठी के गरीबों की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि मोदी योगी ने अमेठी में विकास की उम्मीद जताई है। स्मृति ईरानी ने कहा, गांधी नेहरू परिवार का उद्देश्य कभी भी अमेठी का उत्थान नहीं रहा है। उनकी तीन पुश्ते ने यहां पर गरीबी की झोपड़ियों में जाकर फोटो खिंचवाई, खाना खाया। मेरा मानना है कि उनको गरीबी को रोमांटाइज किया कि गरीब रहना उत्तम विचार है। गांधी परिवार की अमेठी और मोदी योगी की अमेठी में अंतर बताते हुए ईरानी ने कहा, मोदी योगी की अमेठी में हर समाज हर व्यक्ति के अंदर विकास की संभावना जगाई है, सफल होने की उम्मीद पैदा की है। स्मृति ईरानी ने कहा कि यह वो क्षेत्र है जहां से गांधी परिवार अरसे तक रह चुका है, लेकिन 2,70,000 लोगों के पास कभी घर नहीं था। 1,00,000 से ज्यादा लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। यहां से राजीव गांधी रहे, इंदिरा गांधी रहे, संजय गांधी रहे, राहुल गांधी रहे, लेकिन लाखों लोगों के पास शौचालय नहीं थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अमेठी में गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां सत्ता में रहीं, लेकिन खाद की पहली खेप नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान यहां उतरी। आपकी केंद्र में सत्ता रही 50 साल से ज्यादा, आपकी 4 पीढ़ियां यहां से सांसद रहे, आपके मित्रों की प्रदेश की सरकार रही, लेकिन शायद आपकी यह सोच थी कि गरीबों को गरीब रहने दिया जाए। और लगातार यहां देखा जाता है कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी और गांधी परिवार पर लगातार वार करती हैं, और अमेठी पहुंचकर उन्होंने ये बड़े वार जो हैं कांग्रेस पार्टी पर और गांधी परिवार पर किए हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।